दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन पहले अश्विन जडेजा ने अपनी कातिलाना फिरकी से बांग्लादेश को किया ध्वस्त, तो फिर जब 95 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 34 पर ही गिर गए भारत के 2 विकेट। कटने वाली थी भारत की नाक, तब यशस्वी के साथ मिलकर विराट और पंत ने भारत के संकट मोचन बनते हुए बांग्लादेश की उड़ा दी धज्जियां। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों के तूफान में पल भर में हवा हो गई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम? किस बल्लेबाज ने दिया कितने रनों का योगदान? कैसे 2-0 से टीम इंडिया ने जमाया इस T20 सीरीज में कब्जा? बांग्लादेश का किया सफाया? इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कानपुर के मैदान पर एक बार फिर टीम इंडिया ने बांग्लादेश को रौंदकर इतिहास लिख दिया। हालांकि पहले 3 दिनों में केवल 35 ओवर का खेल हो पाया था, जहां बांग्लादेश केवल 107 रन बना पाई थी, लेकिन चौथे दिन मैदान में उतरते ही बुमराह और जडेजा ने अपने खौफनाक गेंदबाजी से आग उगलते हुए पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 233 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। तो फिर जब बैटिंग से जलवा दिखाने की बारी आई, तब हमें असली तांडव देखने को मिला। जब मैदान में आते रोहित और यशस्वी ने रन नहीं बल्कि सीधा आग बरसाना शुरू कर दिया। उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों को फिर ऐसा धोया कि 3 ओवर में ही टीम इंडिया ने 50 रन ठोककर वो कारनामा कर दिया जो पिछले 180 सालों में कोई नहीं कर पाया। तो भले ही रोहित 3 छक्कों और 1 चौके की बदौलत केवल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी का कोहराम जारी था। उन्होंने अपने विस्फोटक बैटिंग से 11 ओवर में टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया। 51 गेंद पर 12 चौके, 2 तूफानी छक्कों से सजी 72 रनों की लाजवाब पारी खेल डाली। तो राहुल और कोहली ने भी बांग्लादेशी गेंदबाजों को बेदर्दी से पीटा। किंग कोहली ने 47 तो राहुल ने 31 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया, जिनकी धाकड़ बैटिंग से टीम इंडिया ने 34.4 ओवर में 285 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी और बांग्लादेश पर 52 रनों की बढ़त बनाई। वहीं जब बांग्लादेश के बैट्समैन बैटिंग करने आए, तब केवल 26 रन ही बने थे कि अश्विन ने जाकिर हसन और हसन महमूद का भी शिकार कर बांग्लादेश की बर्बादी का मंजर दिखाना शुरू कर दिया। अभी भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत की ली गई बढ़त से 26 रन पीछे थी और उनके 2 धुरंधर ढेर हो चुके थे। इसके बाद ही चौथे दिन का खेल खत्म कर दिया गया। ऐसे में पांचवें दिन यह खेल अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। अब तो भारत को जीत के लिए केवल 8 विकेट चाहिए थे। वहीं मोमिनुल हक के साथ सादमान इस्लाम अपनी टीम को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे। जी हां दोस्तों, सूरज की पहली किरण के साथ जब पांचवें और निर्णायक अंतिम दिन का खेल शुरू हुआ, तो मैदान में उतरते ही मोमिनुल हक और सादमान इस्लाम इसी सोच में थे कि किसी भी तरीके से टीम इंडिया के लीड को खत्म किया जाए। भारत की तरफ से आज के दिन का पहला ओवर यानी कि 12 ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन के ओवर में इस्लाम ने शानदार चौका लगाकर ओवर का अंत किया और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन उनका प्लान ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। भारतीय गेंदबाज भी आज तबाही मचाने के लिए आए थे। भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए अश्विन, इस बार उन्होंने अपना शिकार ओवर की तीसरी गेंद पर मोमिनुल हक को बना लिया और राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता 36 रनों के स्कोर पर दिला दी। मोमिनुल हक अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सादमान इस्लाम का साथ देने के लिए खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अभी भी बांग्लादेश की टीम 16 रनों से पीछे चल रही थी। ऐसे में ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। 15 ओवर में बांग्लादेश का 36 रनों तक स्कोर पहुंच गया। भारतीय गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी रन बनाने का मौका नहीं दे रहे थे। एक तरफ से बुमराह तो दूसरी तरफ से अश्विन की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। उन्होंने एक मजबूत साझेदारी का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जो टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाना शुरू कर दी थी। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। इस बार जसप्रीत बुमराह की जगह पर उन्होंने गेंद मोहम्मद सिराज को थमाई, पर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर दोनों बल्लेबाज ने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 19 ओवर तक बांग्लादेश की टीम ने 50 रन 3 विकेट पर बना लिए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी और इसी साझेदारी को तोड़ना भारतीय कप्तान के लिए बेहद अहम जिम्मेदारी थी। इसीलिए लगातार ओवर रोहित शर्मा अश्विन से करा रहे थे। विकेट निकालना टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इस्लाम अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। 20वां ओवर लेकर आए अश्विन ने ओवर की 5वीं गेंद पर इस्लाम ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और बांग्लादेश यहाँ पर अब बढ़त बनाती हुई नजर आने लगी। भारत की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अश्विन, लेकिन उनका स्वागत इस बार इस्लाम ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिया, दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाने लगे। 22 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट पर 69 रनों तक पहुंच गया। 23वां ओवर लेकर आए सिराज का स्वागत भी इस्लाम ने चौके से कर टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाना शुरू कर दी। सिराज के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। 25वें ओवर में एक बार फिर सिराज को बेदर्दी से पिटाई करते हुए इस्लाम ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। उनके विस्फोटक बैटिंग का नतीजा हुआ कि 26 ओवर में बांग्लादेश ने 86 रन बना लिए थे।
पांचवें दिन के पहले सेशन में बांग्लादेश पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। जिस तरह से बांग्लादेश का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही लग रहा था कि 150 से 200 रन टीम इंडिया को लक्ष्य के रूप में बांग्लादेश की टीम दे सकती है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के होते हुए बांग्लादेश का राज हो जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी तो 28 ओवर में एक बार फिर से सर रविंद्र जडेजा का जादू सर चढ़कर बोलता है और इस खिलाड़ी ने अपनी फिरकी के जाल में बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांटो को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को चौथा झटका दे दिया था। जहां संतो के तो पल्ले ही नहीं पड़ी, गेंद कहां से आई और कहां से उनका विकेट उखाड़ कर चली गई। संतो इस मैच में 19 रन बना पाए तो हालांकि दूसरी तरफ से मैदान में डटकर बैटिंग करते हुए सादमान इस्लाम ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। ये खिलाड़ी अकेले ही टीम इंडिया की नाक में दम किए हुए था, लेकिन अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों के आक्रमण की। जहां उनकी 50 पूरी होते ही आकाशदीप के तूफान में ये खिलाड़ी अपने घुटने टेक बैठा, जहां यशस्वी जायसवाल ने उनका लाजवाब कैच लपक कर सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया और बांग्लादेश को पांचवां सबसे बड़ा झटका दे दिया था। जहां इस्लाम 50 रनों की खतरनाक पारी खेलकर पवेलियन लौट जा गए तो उनके आउट होने के बाद लिटनदास मैदान में खड़े भी नहीं हो पाए थे कि रविंद्र जडेजा ने उन्हें भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर बांग्लादेश के बैटिंग क्रम को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया। लगातार 3 ओवर में गिरे इन तीनों विकेट की वजह से बांग्लादेश गहरे दलदल में फंस चुका था, क्योंकि केवल 94 के स्कोर पर उनके 6 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे और अब तक वो केवल 42 रनों की लीड ले पाए थे। तो किसी को भरोसा तो उस समय नहीं हुआ जब बैटिंग करने उतरे शाकिब अल हसन को बिना खाता खोले जडेजा ने कॉट एंड बोल्ड कर बांग्लादेश के 7 धुरंधरों को धूल चटा दी थी। पिछले 4 ओवर में पूरी तरीके से मैच टीम इंडिया की तरफ आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब तो लंच से पहले ही टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगी। हालांकि मुशफिकुर रहीम और मेहदी हसन मिराज के इरादे तो कुछ और ही थे। ये दोनों टीम इंडिया की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते थे और ऐसा क्यों इन्होंने बहुत जल्द दिखाया। जब जडेजा का स्वागत ही मैदान हसन मिराज ने 34वें ओवर की पहली गेंद पर चौके से करने का केवल बांग्लादेश को 100 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि 50 रनों से अधिक की लीड भी दिलवा दी थी। उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि दोनों तो सीधा हमला करने के लिए आए हैं। आकाशदीप के ओवर में लगातार 2 चौके मुशफिकुर ने जड़कर तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे मेहंदी हसन मिराज की एक न चली। बुमराह ने आते ही मेहंदी को पंत के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को 8वीं सफलता दिलाई। जहां वो केवल 9 रन बना पाए तो केवल 12 रन की पार्टनरशिप मुशफिकुर और तेजुल इस्लाम के बीच हो पाई थी। कि तेजुल को भी बुमराह ने LBW कर बांग्लादेश के 9 धुरंधर घुटनों पर ला दिए, तो वहीं बांग्लादेश के आखिरी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम, जिन्होंने अपनी टीम के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी, उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी बांग्लादेश को 146 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। जहां मुशफिकुर 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे और बांग्लादेश को 94 रनों की लीड भी दिला दी। अब 95 रनों के लक्ष्य का पीछा करना तो भारतीय टीम के लिए बच्चों का खेल माना जा रहा था। रोहित और यशस्वी ने आते ही टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत भी दिलाई। पहले 2 ओवर में ही दोनों ने 18 रन ठोक डाले थे, लेकिन तभी तीसरा ओवर लेकर आए मेहंदी हसन मिराज की पहली गेंद पर रोहित बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। वो केवल 8 रन इस मैच में बना पाए। हालांकि टीम इंडिया को उससे कहां फर्क पड़ने वाला था। उनके आउट होने के बाद मैदान में आते ही गिल ने चौका जड़कर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखा दिए। हालांकि वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और अपने मेहंदी ने उन्हें भी LBW कर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था। 34 रन ही बने थे और भारत के 2 धुरंधर वापस जा चुके थे। हालांकि मैदान में उतरे किंग कोहली ने भी आते ही चौके से अपना खाता खोला और टीम इंडिया को तेजी से जीत की तरफ बढ़ाने लगे। बांग्लादेश ने लड़ाई करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चुटकियों से भारतीय बल्लेबाजों ने इस 95 रनों के लक्ष्य हासिल कर न केवल दूसरे टेस्ट मैच को भी अपने नाम किया, बल्कि 2-0 से इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश का सूपड़ा साफ कर उन्हें बता दिया कि दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम कौन है। लेकिन दोस्तों, अब आप टीम इंडिया की धमाकेदार जीत का सबसे बड़ा हीरो किसे मानते हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पूरे टेस्ट के 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने बांग्लादेश को दिन में तारे दिखा दिए और पूरे टीम को घुटने पर ला दिया और जीत पक्की कर ली, जिसे वो जल्द भूल नहीं पाएंगे। भारतीय गेंदबाजों की तूफानी गेंदबाजी और तूफानी भारत की बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने बड़ी बात कही है। किसने क्या कहा हम आपको बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में 3 दिन तक बारिश ने खिलाड़ियों को खूब परेशान किया, लेकिन 4थे दिन दोनों टीम में मैदान पर उतरी जबरदस्त खेल देखने को मिला। जहां पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 233 रनों पर ऑल आउट किया और फिर टीम इंडिया ने भी बैटिंग करते हुए 285 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। उसके बाद बांग्लादेश को दोबारा बैटिंग करने का मौका मिल गया। 4थे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की टीम ने 11 ओवर में 26 रन 2 विकेट पर बना लिए। अब हर किसी की निगाहें 5वें दिन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस दिन जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय टीम को जल्द से जल्द विकेट निकालकर बैटिंग कर इस टेस्ट को जीतना है।
पांचवे दिन का खेल समय पर शुरू हुआ। दोनों टीमें एक बार फिर से मैदान पर उतरी। बांग्लादेश के लिए पारी की शुरुआत करने सादमान इस्लाम के साथ मोमिनुल हक आए, लेकिन पहले सेशन में टीम इंडिया ने कुछ ऐसा कर दिया कि बांग्लादेश की पूरी टीम ध्वस्त हो गई। अश्विन ने अपनी फिरकी से बांग्लादेश को घुटने पर ला दिया।